हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जो टाटा सिग्ना BS6 है ना, उसकी स्टार्टिंग और चार्जिंग सिस्टम, ठीक है, उसका बैटरी से लेकर के स्टार्टर मोटर तक और अल्टरनेटर का जो भी सिस्टम है, यानी पूरा स्टार्टिंग का पूरा सर्किट हम समझेंगे कि उसका वायरिंग कलर कोड कब कहाँ से कैसे कनेक्शन आता है, VECU वगैरह, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, गाड़ी में दो बैटरी लगा हुआ है 12 वोल्ट का, ठीक है, तो ये दोनों मिला करके 24 वोल्ट होता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल है वो दोनों को एक में कर दिया गया है, और फिर यहाँ से जो पॉजिटिव निकला है, जैसे ये हो गया हमारा निगेटिव, ठीक है, और ये है पॉजिटिव, ओके, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वायर हो गया, ये निगेटिव वायर हो गया, ठीक है। तो ये बैटरी कनेक्शन हो गया, और यहाँ पे हम बना देते हैं, ये हो गया स्टार्टर मोटर, ओके, स्टार्टर मोटर, ये हो गया अल्टरनेटर, अल्टरनेटर, ठीक है। स्टार्टर मोटर में एक देखिएगा 12 नंबर पॉजिटिव पोल होता है, ठीक है, जो बैटरी से डायरेक्ट मोटर वाला वायर स्टार्टर मोटर में ही जाता है, ठीक है, और ये हो गया अल्टरनेटर का पॉजिटिव पोल, ओके, और ये हो गया वो सोलेनाइड का जो पिन, जो 10 नंबर बोल्ट होता है जिसमें करंट आने से स्टार्टर मोटर काम करता है, ठीक है, ये वो हो गया, और ये हो गया ग्राउंड, और इसका ये हो गया ग्राउंड, और ये हो गया बैटरी लाइट के लिए, ठीक है, जो ग्रीन पे व्हाइट कलर का जो वायर आता है, जो अल्टरनेटर से डायरेक्ट जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, मीटर बोर्ड में, जो बैटरी का जो लाल लाइट ऑन करता है, ठीक है, ये वाला वो पिन हो गया, ओके। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो निगेटिव का जो वायर है ना, ये डायरेक्ट चला गया है स्टार्टर मोटर का निगेटिव पोल में, ठीक है, और यहाँ से फिर एक और वायर आ गया है अल्टरनेटर में, ठीक है, और फिर यहीं से देखिएगा तो एक चला गया है चेसिस में, ठीक है। तो निगेटिव जो वायर था वो चला गया स्टार्टर मोटर में, अल्टरनेटर में और चेसिस में, ठीक है। अब देखिए, ये जो पॉजिटिव का जो वायर है ना, ये डायरेक्ट जाता है, सबसे पहले जाता है एक कटआउट में, ठीक है, ये हो गया कटआउट, ओके, जो बैटरी कटआउट लगा हुआ है ना उसी में, ठीक है, और फिर यहाँ से जो वायर निकलता है ना, ये जाता है एक मेगा फ्यूज, ठीक है, ये 500 एम्पीयर का एक मेगा फ्यूज है, ठीक है, इसमें जाता है, और फिर यहाँ से जो बाहर निकलता है ना, तो ये डायरेक्ट चला गया है स्टार्टर मोटर में, और फिर स्टार्टर मोटर से अल्टरनेटर में, ठीक है। देखिएगा, स्टार्टर मोटर से ना दो वायर आकर के अल्टरनेटर में लगा है पॉजिटिव का, ठीक है, तो इसका कलर रेड है, इसका भी कलर रेड है, इसका भी कलर रेड है, ये ब्लैक कलर का वायर होगा, ठीक है, ये जो बैटरी से जो डायरेक्ट पॉजिटिव के पास जा रहा है वो सब हो गया, ओके। तो अब इसके बाद से देखिए, यहाँ पे स्टार्टर के लिए एक मेगा फ्यूज के पास से एक कनेक्शन निकाला है, और ये 60 एम्पीयर का फ्यूज है, ठीक है, ये 60 एम्पीयर का फ्यूज है, और यहाँ से फिर एक वायर निकाला है और एक और फ्यूज के पास गया है, ठीक है, ये 30 एम्पीयर का फ्यूज है, ओके। अब देखिए, ये फ्यूज पे लिखा होगा वी लोड, ठीक है, व्हीकल लोड, ओके, ये 60 एम्पीयर का फ्यूज होगा, और एक यहाँ से जो वायर निकला है ये है 30 एम्पीयर का फ्यूज, इस पर लिखा होगा IGN, यानी इग्निशियन स्विच का, यानी चाबी का मेन, ठीक है, और ये होगा ब्लैक पे रेड कलर का वायर, ठीक है, ब्लैक पे रेड कलर का वायर, या फिर रेड पे ब्लैक, ठीक है, सॉरी, ये रेड पर ब्लैक ही होगा, ठीक है, ये रेड पे ब्लैक कलर का वायर है, ये सब रेड कलर का वायर है, ठीक है, ये रेड हो गया, ये रेड हो गया, ओके। तो ये जो वायर है ना, ये डायरेक्ट चला गया है इग्निशियन स्विच में, ठीक है, इग्निशियन स्विच में, तो यहाँ पे हम बना देते हैं एक इग्निशियन स्विच, जैसे ये हो गया हमारा इग्निशियन स्विच, ये हो गया इसका इनपुट वायर, ओके, ये चला गया, देखिए इग्निशियन स्विच में तीन कनेक्शन होता है, ठीक है, इग्निशियन स्विच तीन घाट में काम करता है, और देखिए, पहली बार जब चाबी ऑन कीजिएगा तो इसमें करंट आएगा, ठीक है, और ये ऑरेंज कलर का वायर होगा, दूसरा बार जब ऑन कीजिएगा तो ये येलो कलर का जो वायर है ना मिडिल वाला, इसमें करंट आएगा, और जब इसमें करंट आता है ना, देखिएगा दो घाट में चाबी ऑन हो जाता है, यानी मीटर बोर्ड में सभी कुछ दिखाने लगता है, ठीक है, और तीसरा जो है ना, ये ब्लैक कलर का वायर होता है, और इसमें जब करंट आता है ना तो क्रैंक यानी गाड़ी स्टार्ट होने लगती है, ठीक है, तो ये जो है ना, ये ब्लैक पर रेड कलर का वायर दिया, ठीक है, ब्लैक पर रेड, सभी गाड़ियों में ब्लैक होता है, लेकिन इसमें ब्लैक पर रेड कलर का वायर दिया है, ओके। और इसके बाद से देख लीजिए, यहाँ पे एक हम स्टार्टर रिले बना दे रहे हैं, ठीक है, ये है स्टार्टर रिले, ओके, और ये हो गया पिन नंबर 30, ये हो गया 87, और ये हो गया 86, और ये हो गया 85, ओके। तो रिले का काम है कि 85 में ग्राउंड और 86 में पॉजिटिव जैसे ही आता है तो पिन नंबर 30 87 को पकड़ लेता है, ठीक है, यानी पिन नंबर 30 में अगर पॉजिटिव है तो पिन नंबर 87 में भी पॉजिटिव आ जाएगा, जब इसमें ग्राउंड और इसमें पॉजिटिव आएगा तो, ठीक है, ये रिले का काम है, ओके। तो देखिए, यहाँ पे ये जो येलो कलर का वायर है ना, यहाँ से बहुत जगह, मतलब 30-35 जगह यहाँ से करंट गया, ठीक है, इसी में से एक वायर जाता है J2, ठीक है, ECM का J2 जो कनेक्टर है, J2 उसके पिन नंबर 28 में, ठीक है, पिन नंबर 28, J2 कनेक्टर का पिन नंबर 28, यानी जैसे ही चाबी ऑन कीजिएगा इसी को ECM को पता चल जाएगा कि चाबी ऑन हो गया, ठीक है, ये इसके लिए, ओके। तो और ये जो ब्लैक पर रेड कलर का वायर है ना, ये देखिए यहाँ से दो कनेक्शन निकला है, ठीक है, एक तो ये सबसे पहले चला जाता है VECU में, ठीक है,
VECU, ठीक है, VECU में चला जाता है। और VECU में किस, देखिएगा VECU में दो कनेक्टर है, ठीक है, एक एक नंबर कनेक्टर है और एक दूसरा नंबर का कनेक्टर है। तो ये एक नंबर कनेक्टर का E3, ठीक है, E3 पिन नंबर E3 में जाता है एक नंबर कनेक्टर, ठीक है, ये एक लिख दे रहा हूँ, एक नंबर कनेक्टर का E3 में जाता है। ओके, अब जैसे ही आप क्रैंकिंग कीजिएगा तो VECU को पता चल गया कि गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कैनवेस के वायर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और कैनवेस का वायर चला जाता है ECM में, ठीक है। तो ECM को भी पता चल गया कि आप क्रैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए ये जो वायर है ना, ये जो क्रैंकिंग वाला वायर, इसी में से, ठीक है, VECU का जो वायर है, जैसे ब्लैक ब्रेड जो VECU में जा रहा है, इसी में से एक वायर निकाल करके ये 30 पिन नंबर 30 जो रिले है, स्टार्टर RLY, ठीक है, स्टार्टर रिले का पिन नंबर 30 में, जैसे ही आप क्रैंकिंग कीजिएगा तो एक तो VECU में जा रहा है, एक स्टार्टर रिले का पिन नंबर 30 में जा रहा है, ठीक है। इसका भी कलर होगा ब्लैक पे रेड कलर का वायर, ठीक है। तो देखिए उसके बाद से क्या होता है, ये 87 वाला जो वायर है ना, ये डायरेक्ट चला जाता है स्टार्टर मोटर का जो सोलेनाइड का जो 10 नंबर बोल्ट होता है उसमें, ठीक है। यानी जैसे ही इसमें करंट आएगा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 85 जो है ना, ये वायर डायरेक्ट ECM से आता है, ठीक है, ECM से आता है, और ECM का J2 कनेक्टर का पिन नंबर 70, ठीक है, पिन नंबर 70, और इसका कलर होता है रेड पे, सॉरी पिंक पे येलो कलर का वायर, ठीक है, पिंक पे येलो कलर का वायर होगा। और जो 86 है ना, ये भी आता है J2 कनेक्टर के, J2 कनेक्टर का 94, ठीक है, पिन नंबर 94 से आता है, और इसका वायर होगा ऑरेंज पे ब्लू कलर का वायर। ओके, ऑरेंज पे ब्लू, ऑरेंज पे ब्लू। और जो 87 से जो निकल रहा है इसका कलर होगा ब्लैक, ठीक है, ये ब्लैक कलर का वायर है। अब देखिए, अब इसका एक बार सिस्टम समझ लीजिए कि पूरा वायरिंग का डायग्राम, मतलब स्टार्टिंग का कैसे होता है। जैसे ये बैटरी हो गया, ठीक है, बैटरी से स्टार्टर मोटर को पॉजिटिव मिल गया, अल्टरनेटर को पॉजिटिव मिल गया, और यहाँ से चेसिस में भी ग्राउंड चला गया, ठीक है। और VECU में पॉजिटिव और निगेटिव ये चला गया पहले से, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे क्या, अब उसको भी देखिए, L2, L3, L4, ठीक है, एक नंबर कनेक्टर का VECU का L2, L3, L4 में पॉजिटिव जाता है, फिर से दूसरा नंबर जो कनेक्टर है उसमें भी पिन नंबर L2, L3, L4 में निगेटिव जाता है, पॉजिटिव जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, दो कनेक्टर में L2, L3, L4 में पॉजिटिव चला गया, ठीक है। निगेटिव का जो वायर है ना, वो एक नंबर पिन का D2, E2, J1, J2, K2 ये सब में ग्राउंड जाता है, ठीक है। और दूसरा पिन का, दूसरा जो कनेक्टर है उसका E2, F2, G2, H2, K3, E4 और A1, ठीक है, A1 ये सब में ग्राउंड जाता है। तो VECU के पास पहले से ग्राउंड है, ECM के पास पहले से पॉजिटिव है, ग्राउंड है, सब कुछ है, ठीक है। अब जैसे ही सिग्नल जाता है वो उसी पॉजिटिव को एक और पिन से निकालता है, ठीक है। और मतलब यहाँ 86 और 85 में पॉजिटिव और निगेटिव ECM देता है, और जैसे ही आप क्रैंकिंग करते हैं 30 नंबर में पहले से पॉजिटिव आ गया रहता है, वही जब ये करेंट देता है ECM, वही पॉजिटिव 87 से निकल करके जा करके स्टार्टर जो मोटर है उसको ऑन कर देता है, ठीक है। और ये देखिए, ये जो अल्टरनेटर का ये वाइट जो ग्रीन पे वाइट कलर का वायर होता है बैटरी लाइफ के लिए, ये डायरेक्ट चला गया है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी मीटर बोर्ड में, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखिएगा दो कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दूसरा कनेक्टर का पिन नंबर 6 में जाता है, ठीक है, पिन नंबर 6 में जाता है। तो ये हो गया सीगना गाड़ी का स्टार्टर का पूरा सिस्टम, स्टार्टर और चार्जिंग का, यानी अल्टरनेटर और स्टार्टर।